नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में देर रात लसूड़िया थाना क्षेत्र के तलावली चंदा के पास तेज रफ्तार कार खड़े टैंकर में जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 6 छात्रों की मौत हो गई। वहीं पुलिस आरक्षक सुरेश यादव और आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। दरअसल मामला देर रात लसूड़िया थाना क्षेत्र के तलावली चंदा में तेज रफ्तार देवास से इंदौर की तरफ आ रही स्विफ्ट कार भीषण हादसे का शिकार हो गई, जहां पेट्रोल पंप के बाहर खड़े टैंकर में पीछे से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 6 छात्रों की मौत हो गई है। वहीं सूचना के बाद आला अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार युवक बाईपास पर ढाबे से खाना खाकर घर की ओर जा रहे थे, इसी दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गए। मृतकों में सोनू जाट रशिया डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, वहीं अन्य युवक भी छात्र हैं। सभी मृतक छात्रों के शव कार में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर फंस गए थे, जिन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा काफी जद्दोजहद कर कार से बाहर निकाला गया। यादव जी, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि अभी एक स्विफ्ट कार में 5-6 लोग आ रहे थे। रात करीब 1:45 घटना हुई और खड़े टैंकर में एक टैंकर खड़ा था पेट्रोल पंप पे तलावली के पास में, MP09GA2499, उसमें गाड़ी घुस गई है पीछे से और जो भी 6 लोग थे उसमें सबकी डेथ हो गई है। ये कहाँ के रहने वाले थे सभी? एक तो हाँ, सब इंदौर के। एक तो माल अपने बागश्री कॉलोनी का है, हाँ, और परिवार के लड़का अपने वो भी है। अच्छा सर, ये कुछ पता चला है कि ये कहाँ से आ रहे थे, क्या आ रहे थे? नहीं, ये क्लियर नहीं, यही कहीं घूमने गए होंगे जैसा भी हो, लेकिन ये क्लियर नहीं कहाँ गए थे लोग, कहाँ से आ रहे थे मालूम नहीं है। तो 5-6 लड़के हैं इसमें, एक सभी की डेथ हो गई। हाँ, सभी डेथ हो चुकी है। कितने लोग मृतक हैं सर इसमें? 6 लोग हैं करीब। आपका नाम बता दीजिए। नरसिंह यादव, उप निरीक्षक थाना लसूड़िया। किस तरह से आपने उनको बचाया, किस तरह से साधन संसाधन जुटाए? हमने वहाँ पर एक रितेश पाल था, उससे संपर्क करा, बोला कि भैया चादरें लेके आओ, गाड़ी से मतलब निकाला उनको कटर के लिए, बीट को भाइयों को रवाना करा, वो कटर लेके आए, कटर की आवश्यकता नहीं पड़ी, इससे पहले हमने उनको निकाल लिया। कितने लोग थे इसमें जब आपको? गाड़ी के अंदर 4 थे, 2 को पहले भेज दिया था हॉस्पिटल के अंदर, जब बाद में पता चला कि उनका भी। आपने अच्छा काम किया, किस तरह की परेशानियाँ हुई, किस तरह से आपको साधन जुटाने में कुछ परेशानी? पुलिस विभाग में परेशानी तो चलती है और पुलिस का काम ही है परेशानियों से जूझना। आपका नाम बताइए। आरक्षक सुरेंद्र यादव। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।